अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नॉलेज पीडिया की दिलचस्प सवालात की सीरीज़ में खुश आमदीद। सवाल नंबर एक, क्या जन्नत में जन्नती एक दूसरे से मुलाकात कर सकेंगे? आपके ऑप्शन हैं ए जी हाँ, बी जी नहीं, सी जुमा के दिन, डी हुक्म नहीं। सही जवाब है ए जी हाँ, जन्नती जब चाहेंगे जिससे मर्जी चाहेंगे मुलाकात कर सकेंगे। सवाल नंबर दो, सबसे पहले ताबूत में किसे दफन किया गया? आपके ऑप्शन हैं ए हाबील को, बी काबील को, सी नमरूद को, डी शद्दाद को। सही जवाब है ए काबील को, जिसे के बाद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ताबूत में दफन किया था। सवाल नंबर तीन, इंसान पर शैतान का सबसे पहला वार क्या था? सही जवाब है कुरान पाक में अल्लाह सुबहानहू व तआला फरमाते हैं, ए आदम की औलाद, तुम्हें शैतान ना बहकाए, जैसा कि उसने तुम्हारे माँ बाप को बहिश्त से निकाल दिया, उनसे उनके कपड़े उतरवाए ताकि तुम्हें उनकी शर्मगाहें दिखाए, वो और उसकी कौम तुम्हें देखती हैं जहाँ से तुम उन्हें नहीं देखते, हमने शैतानों को उन लोगों का दोस्त बना दिया जो ईमान नहीं लाते। सवाल नंबर चार, कौन से सहाबी फजूल गोई से बचने के लिए मुँह में पत्थर रखते थे? आपके ऑप्शन हैं हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबूबकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सही जवाब है भी हज़रत अबूबकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सवाल नंबर पाँच, अल्लाह ताला इस नमाज की तरफ नज़र नहीं फरमाता? सही जवाब है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बंदे की उस नमाज की तरफ नज़र नहीं फरमाता जिसमें रकू व सजूद के दरमियान पीठ सीधी ना करे, यानी कि रकू व सजदा जल्दी जल्दी करना। सवाल नंबर छः, वह कौन सा पाक और साफ कपड़ा है जिसे पहनकर नमाज पढ़ना हराम है? आपके ऑप्शन हैं ए पुराना कपड़ा, बी चोरी किया हुआ कपड़ा, सी धोबी के यहाँ से बदला हुआ कपड़ा, डी हराम की कमाई से लिया हुआ। सही जवाब है बी चोरी किया हुआ कपड़ा। सवाल नंबर सात, किसकी वफात पर सात दिन ज़मीन में जलजला और सूरज ग्रहण लगा? आपके ऑप्शन हैं ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम, सी हाबील की, डी काबील की। सही जवाब है सी हाबील की। सवाल नंबर आठ, किस शख्स के लिए क़यामत का 50,000 साल का दिन एक फ़र्ज़ नमाज के बराबर होगा? आपके ऑप्शन हैं ए नमाजी के लिए, बी बंदा मोमिन के लिए, सी सच बोलने वाले के लिए, डी आलिम के लिए। सही जवाब है बी बंदा मोमिन के लिए। सवाल नंबर नौ, किस मस्जिद के बनने पर अल्लाह ताला नाराज हुए थे?
सही जवाब है मस्जिद जरार। सवाल नंबर 10, ज़मीन पर सबसे ज़्यादा कैदी बनाने लायक कौन है जो हर इंसान के साथ है? सही जवाब है हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ज़मीन पर ज़ुबान से ज़्यादा कैदी बनाने के लायक कोई शय नहीं। सवाल नंबर 11, इंसानी जिस्म का कौन सा हिस्सा मरने के बाद भी ज़िंदा रहता है? आपके ऑप्शन हैं ए आँख, बी कान, सी रूह, डी दिल। सही जवाब है सी रूह। मौत के बाद इंसानी जिस्म तो मर जाता है लेकिन रूह हमेशा के लिए ज़िंदा रहती है। सवाल नंबर 12, कौन सा आंसू नापाक है? सही जवाब है आंख की बीमारी के सबब जो आंसू बहा वो नापाक है और वजू तोड़ देता है। सवाल नंबर 13, नमरूद ने कौन सा ख्वाब देखने के बाद बच्चों को कत्ल करने का हुक्म दिया? सही जवाब है नमरूद ने एक रात ये ख्वाब देखा कि एक सितारा निकला और उसकी रोशनी में चांद, सूरज वगैरह सारे सितारे बेनूर होकर रह गए। काहिनों और नजूमियों ने उस ख्वाब की ये ताबीर दी कि एक फर्जंद ऐसा होगा जो तेरी बादशाही के जवाल का बाइस होगा। ये सुनकर नमरूद बेहद परेशान हो गया और उसने ये हुक्म दिया कि मेरे शहर में जो बच्चा पैदा हो वो कत्ल कर दिया जाए और मर्द औरतों से जुदा रहें। चुनाचे हज़ारों बच्चे कत्ल कर दिए गए, मगर तकदीरात इलाहिया को कौन टाल सकता है। इसी दौरान हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए और बादशाह के खौफ से उनकी वालदा ने शहर से दूर पहाड़ के एक गार में उनको छुपा दिया। उसी गार में छुपकर उनकी वालदा रोज़ाना दूध पिला दिया करती थी। नाज़रीन, आपको इन तमाम सवालात में से कौन सा सवाल अच्छा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और यह मालूमाती तोहफा अपने दोस्तों को देने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यह तमाम सवालात मुस्तनद इस्लामी कुतुब से लिए गए हैं, अगर आपको हवाला दरकार हो तो आप तलब कर सकते हैं। जज़ाकअल्लाह खैरा।